नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हो अपना मेंटास्टिक ब्लॉग। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी हमारी इको स्पोर्ट की इंटीरियर लाइट्स के ऊपर, जिसमें कि हमारी जो इको स्पोर्ट की कैबिन लैंप है, ठीक है, दोनों आगे पीछे वाली, और उसी के साथ साथ नंबर प्लेट लाइट्स प्लस बूट की जो लाइट है, ये सभी जो है आपको कंपनी फिटेड येलो कलर में देखने को मिलती है। और आज हम इसमें जो है वाइट कलर की LEDs जो है इंस्टॉल करने वाले हैं। LED बल्ब जो है आफ्टर मार्केट इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, इनका जो है प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम रहता है, तो इसमें यार कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो आज से करीब 7-8 महीने पहले जो है मैंने अपनी वैगरार में भी LEDs जो है इंस्टॉल करी थी इंटीरियर लाइट में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं जो 6-7 महीने से अपनी इस इको स्पोर्ट में भी इन वाइट LEDs को जो है टेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब इनकी लाइफ कैसी है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतने टाइम से मुझे इन लाइटों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जो है ये मैंने लाइट्स ऑर्डर करी हैं, और इससे पहले भी 3-4 टाइप की लाइट्स मैं यूज़ कर चुका हूँ, बट यार वो उनमें मुझे मज़ा नहीं आया, किसी की लाइट कम थी तो किसी का कलर। तो फिलहाल आज की वीडियो में जो है मैं 3 सेट जो है LEDs के इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि हमारी गाड़ी में इंस्टॉल होंगे। और अगर आप इसे गौर से देखो तो कुछ इस टाइप की LEDs देखने को मिल जाती हैं। अब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप की LEDs हैं जो यूज़ हुई हैं, तो इन लाइट्स के बारे में बाकी बातचीत जो है इंस्टॉलेशन के टाइम पे करेंगे कि ये कौन सी रहने वाली है। और आप यकीन मानिए, इसके अलावा और कोई लाइट जो है वो इको स्पोर्ट के कैबिन में मतलब फिट नहीं आने वाली, क्योंकि इससे जो बड़ी होगी वो फिट आएगी नहीं, और इससे छोटी जो होगी उसकी जो है रोशनी बहुत कम होगी। तो ये जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी लाइट के मामले में भी और फिटिंग के मामले में भी। तो चलिए फटाफट से इन सभी लाइट्स को जो है इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी इको स्पोर्ट की लाइट जो है वो अभी आपको येलो दिख रही होगी, जो कि मतलब ओरिजिनल बल्ब के साथ आती है। तो यहाँ पे आपको इस लाइट को ओपन करने के लिए एक पतला सा पेचकस चाहिए होगा, जिसकी मदद से आसानी से ये लाइट खुल जाएगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लॉक ये है, यहाँ पे ऐसे एक जगह यहाँ पे और दूसरी जगह यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है। तो ये 2 लॉक्स जो है इसके आराम से खुल गए। अब यहाँ पे सेंटर में इधर की तरफ से जो है तीसरा लॉक इसका होता है, और यहाँ पे इसको प्रेस करके आप आराम से निकाल सकते हो, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। यहाँ पे इसका बल्ब निकालना बहुत ही आसान है, आपको ये वाला जो नॉब है इसको जो है एंटी क्लॉक वाइज या फिर लेफ्ट साइड में जो है टर्न करना है, और ये ईजिली जो है निकल आता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का जो है बल्ब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और इस बल्ब को निकाल लेते हैं। यहाँ पे बल्ब को जो आराम से आसानी से निकाल लिया है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये वाली जो LED है जो कि मतलब ऑल एक्सट्रीम की तरफ से आती है, और इसमें आपको छोटी छोटी 15 LEDs जो है देखने को मिल जाती हैं। और ये जो LED बल्ब है वो 3 वॉट का आता है, और इसका रिस्पांस इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस वाली लाइट में फिट भी आ जाता है। अगर आप इससे बड़े वाले बल्ब जो है इसमें प्लेस करोगे तो वो जो है इसमें फिट नहीं आएंगे, यहाँ पे जो है वो लड़ेंगे, तो इससे बेहतर है। मैंने इतने टाइम से जो है इन सब चीज़ों को यूज़ किया है, तो मैं जानता हूँ कि ये बल्ब जो है इस फोर्ड इको स्पोर्ट की लाइट के लिए एक परफेक्ट चीज़ है। तो यहाँ पे इसको बस ऐसे आपको प्रेस कर देना है, ठीक है, और ये जो है रेडी हो गया है। अब यहाँ पे इसको फिर से आप ऐसे लगा के और राइट साइड में ऐसे टाइट कर दो, बस ये लग चुका है। तो अब यहाँ पे इसको वापस से इंस्टॉल कर देते हैं, और इंस्टॉल करना इसको काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको बस ऐसे पकड़ के और जो इसको है ऐसे प्रेस कर देना है, और ये लग के तैयार हो चुका है। तो इनकी लाइट्स के बारे में आप लोग जानने के लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा, वीडियो के लास्ट में मैं कौन सी लाइट कितने की है और कितने पावर की है ये सब चीज़ें आपको वीडियो के लास्ट में जो है पता चल जाएंगी, और कहां से आप इसे परचेज कर सकते हो वो भी आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना आसान प्रोसेस है, और इसी के साथ साथ पीछे वाला जो कैबिन लैंप है उसमें भी फटाफट से कुछ इसी तरीके से जो है LED को इंस्टॉल कर देते हैं। तो अब इको स्पोर्ट के रियर वाले कैबिन लैंप को भी ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए आप देखो जहाँ पर स्विच लगा है वहाँ से आपको जो है 2 बार ऐसे निकालना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार यहाँ और दूसरी बार यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से ये आगे का निकल गया। अब यहाँ पे आपको सेंटर में जो है एक क्लिप होती है जिसको निकालना पड़ता है, और यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से जो है ये पूरा निकल आता है। तो रियर का लैम्प भी कुछ इस टाइप से निकल गया है, और यहाँ पे भी इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाओ और ये बल्ब जो है आराम से निकल आता है। इसको ऐसे निकाल लेना है, सिर्फ और सिर्फ प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। यहाँ पे ये जो LED बल्ब है इसको ऐसे लगा देना है, आप देख सकते हो उसका साइज़ जो है कितना मतलब कॉम्पैक्ट है, और इसके अंदर जो है आराम से जो है फिट आ जाता है। अब इसको जो है इसमें वापस इंसर्ट कर देते हैं, और ऐसे राइट साइड में टर्न करके टाइट कर देते हैं। अब इसको भी वापस इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको यहाँ पर ऐसे प्लेस करना है और इसको जो है अंदर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे रियर वाला कैबिन लैंप भी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है वाइट LED के साथ,
और यहाँ पे कुछ इस टाइप का इसको रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बाकी आपको रात में ओवरऑल दिखाऊंगा कि कैसा इसका रिस्पांस रहने वाला है। चलते हैं गाड़ी के बाहर और नंबर प्लेट्स वाली जो लाइट हैं उनको भी जो है चेंज कर देते हैं, और साथ ही साथ बूट में एक लैंप आता है 4D को स्पोर्ट में, उसको भी जो है चेंज करने वाले हैं। और पता नहीं क्यों जब जब मैं वीडियो शूट करने चलता हूँ तब तब यार बारिश क्यों होने लगती है, कौन सा मेरा यार हंस रहा है भाई जो बारिश हो रही है। तो अब यार बाहर बारिश हो रही है तो उसका कर भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे जो बूट लैंप है इसमें भी आपको येलो बल्ब मिलता है, अब इसको भी रिप्लेस करेंगे क्योंकि यार इसकी लाइट जो है वो मुझे कुछ खास नहीं लगती। तो इसका भी पेचकस से आराम से खुल जाता है। आप देखो यहाँ पे आपको इधर राइट साइड में इसके जो पेचकस लगाना है, इसका लॉक जो है वो आराम से खुल जाता है। अब यहाँ पे जो है बल्ब बहुत देर से जल रहा है तो फिर यार गर्म होगा, इसको जो है इससे निकालते हैं कपड़े से। ओके बल्ब निकल गया है, तो आप देखो तो ये बल्ब जो है निकल गया, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है यार, इसको नीचे रख देते हैं। और यहाँ पे जो है हम इस बड़ी वाली लाइट को जो है यूज़ करने वाले हैं, और ये जो लाइट है वो 57 SMD वाली है, और ये ऑल एक्सट्रीम की तरफ से ये भी आती है, और ऑल एक्सट्रीम की जो मुझे प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसमें मैं बड़ी वाली लाइट को इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि यार बूट में जो है पूरा ऑल द वे सब जगह ब्लैक ब्लैक है, तो यार ये जो है काफ़ी ज़्यादा काम करती है, मतलब छोटी वाली से उतनी अच्छी रोशनी नहीं आएगी, ये वाली जो है बूट के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। तो इसको भी आराम से ऐसे प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, और यहाँ पे ये जो है लग चुकी है, आप रोशनी इसकी देख सकते हो कितनी काफ़ी मतलब बेहतरीन लग रही है। अब इसको भी आराम से ऐसे अंदर इंसर्ट करके और ऐसे प्रेस कर देना है, और ये आराम से लग चुकी है। तो बूट के इस लैम्प को LED से चेंज करने के बाद जो है अब बारी आती है यहाँ पे इन नंबर प्लेट्स के नीचे जो लाइट लगी होती हैं उनको येलो से जो है वो वाइट करने का टाइम आ गया है। तो फटाफट से मैं आपको इन लाइट्स को चेंज करने का भी प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब इन लाइट्स को ओपन करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको लाइट के इस वाले पार्ट पे जो है एक क्लिप होता है, ठीक है, उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे पेचकस जो है राइट साइड में इसको ऐसे लगाना है, और ये देखिए आराम से निकल आती है। अब यहाँ पे मैंने नंबर प्लेट पे फ्रेम लगा रखा है जिसकी वजह से अटकती है, बट उसके लिए भी आराम से निकल आएगी। देखो हल्का सा इसको ओपन करना है, और देखो यहाँ पे जो ये लाइट है वो बाहर आ चुकी है। इसके अंदर का बल्ब बदलने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसको लेफ्ट साइड में ऐसे घुमाना है, और ये देखिए बल्ब भी आराम से निकल आया। और यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है पहले से उसको निकाल देते हैं, ऐसे आपको बाहर खींच लेना है, आसानी से निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी हम वही लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं जो अंदर कैबिन में इंस्टॉल की थी, अब इसको जो है यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये लाइट जो है प्लेस हो चुकी है, और इसको जो है फिर से टाइट करने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे इंसर्ट करना है, और ऐसे जो है राइट साइड में घुमा के अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये लग चुका है, अब इस लाइट को लगाने के लिए सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे इसको प्रेस कर देना। अब ये जो है अच्छे से लॉक हो चुकी है। लेफ्ट वाली लाइट को भी निकाल लेते हैं, इसको भी उसी तरीके से निकालना है, इसको थोड़ा सा खींचते हैं, और ये वाली लाइट भी आराम से निकल आई है। अब इसको लेफ्ट साइड में टर्न करके ऐसे इसका ढक्कन निकाल लें, और इसका बल्ब जो है पुराना वाला निकाल के नई वाली LED जो है इंस्टॉल कर देते हैं, और इसको वापस से ऐसे इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों यूनिट्स में जो है LEDs को इंस्टॉल कर दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी LED लग चुकी है, अंदर दोनों कैबिन लाइट्स में भी LED को इंस्टॉल किया जा चुका है। अब इसके बाद चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो बारिश की वजह से यार फिर से जो है भीग चुके हैं, और मतलब मजा आता है हल्की फुल्की बारिश जो है पड़ती रहती है, और मतलब काम करते रहो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी आसानी से जो है 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगा होगा, और इन सभी लाइट्स को मैंने चेंज कर दिया। और देखो यार मैं तो काफ़ी बार इन चीज़ों को खोल चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि मतलब कैसे खोलना है। अगर आप लोग पहली बार खोल ले तो ज़रा एक बार कायदे से देख लेना वीडियो को, और फिर उसके बाद जो है इन लॉक्स को खोलना, और जहाँ पे लॉक्स दिए हैं सिर्फ वहीं पे ही पेचकस लगा के खोलना, जिससे जो है आप इसे आसानी से खोल सकते हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, डू इट योरसेल्फ। और ये लाइट जो है वो कुछ खास महंगी नहीं है, मतलब 100, 120, 150 रुपये का जो है सेट आता है, ठीक है। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अब चलते हैं फटाफट से यार नाइट मोड में, और वहाँ पे दिखाते हैं कि मतलब क्या डिफरेंस है पहले येलो लाइट में और अब जो वाइट LEDs पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ, तो उन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं नाइट मोड में। तो आ गए हम लोग नाइट मोड में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि येलो हेलोजन बल्ब्स जो कि फैक्ट्री फिटेड आते हैं, ठीक है, उनका रिस्पांस जो है कुछ खास अच्छा नहीं है, मतलब ब्राइटनेस लेवल उनका काफ़ी कम है, और येलो लाइट जो है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं लगती है। और बात करते हैं बूट के अंदर वाले लैम्प की, तो वहाँ पर भी ब्राइटनेस आपको काफ़ी कम मिलती है, ठीक है, और नंबर प्लेट के नीचे भी आप देख सकते हो कि ब्राइटनेस जो है वो कुछ खास ज़्यादा नहीं है, और अंदर कैबिन में जो लैम्प्स लगे हैं उनकी भी ब्राइटनेस जो है ठीक ठाक ही है। और इसके बाद अब हम लोग फटाफट से स्विच करते हैं LED पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी इको स्पोर्ट में सब जगह वाइट LEDs जो हैं लग चुकी हैं, अंदर आप रिस्पांस देख रहे होगे कितना आपको कमाल का देखने को मिल रहा होगा। आप जैसे ही गाड़ी के पीछे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप नंबर प्लेट पे रिस्पांस देखो काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है आप, और इसी के साथ साथ जैसे ही बूट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्राइटनेस लेवल जो है पहले के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, नंबर प्लेट की लाइट्स जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती हैं, और इन सब के अलावा इंटीरियर में जो एक नई सी चमक आ गई है, मतलब वाइट लाइट लगने के बाद जो है काफ़ी कमाल का रिस्पांस देखने को मिल रहा है,
ब्राइटनेस लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। गाड़ी जो है रात में जब आप इन लाइट्स को ओपन करोगे तो एक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और फैक्ट्री फिटेड वाली चीज लगती है। साइड बाई साइड फोटोज में आप कंपेरिजन करके खुद ही देख लो कि कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो वापस से आ गए डे मोड में और बात करते हैं लाइट्स की। तो ये जो कैबिन लाइट्स हैं इनके अंदर जो है वो मैंने ऑल एक्सट्रीम की 15 एलईडी वाली जो है लाइट्स लगा रखी हैं, ठीक है। ये T10 टाइप का जो है एलईडी बल्ब आता है जिसको सिर्फ मतलब आपको ऐसे इंसर्ट करके प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम करना होता है। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये जो है 119 यानी कि 119 रुपए की दो एलईडी मिल जाती है एक पैक में। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, इको स्पोर्ट की दोनों लाइट्स में आप लगा सकते हो, एक आगे में एक पीछे में। तो 119 रुपए में ये काफी बेहतरीन चीज है और यही लाइट इसमें सिर्फ फिट आती है। इससे पहले भी मैंने काफी मतलब चीजें जो है ट्राई की हैं, बट ये एलईडी इस गाड़ी के लिए बेस्ट है। और इसी के साथ साथ मैंने इसके जो है दो सेट ऑर्डर किए थे, यानी कि 119 रुपए वाले दो ऑर्डर किए थे, यानी कि टोटल चार लाइट्स जो है मेरे को मिली थी और दो लाइट्स मैंने कैबिन लाइट्स में लगा दी और बाकी बची हुई दो लाइट्स जो है वो मैंने नंबर प्लेट में इंस्टॉल कर दी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। तो बात करते हैं बूट में लगने वाली लाइट की। और इसमें जो एलईडी बल्ब हम लोग ने लगाया है वो भी ऑल एक्सट्रीम का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 57 SMD का आता है। और बात करें प्राइस की, तो जब मैंने खरीदा था तब ये जो है 119 का मिला था और आज के टाइम में इसका प्राइस जो है 149 रुपए का मिल हो गया है। तो 149 रुपए में आपको दो एलईडीज मिल जाती हैं, ठीक है। एक इसमें लगा लो और एक जो एक्स्ट्रा आपके पास पड़ी रहेगी। या तो यहाँ पे सारी लाइट्स जो है वो मैंने व्हाइट एलईडी में कन्वर्ट कर दी है सिवाय इस वाली के, ठीक है। इसको भी अगर आप चाहो हो व्हाइट एलईडी में शिफ्ट कर सकते हो, बट यार इसका मुझे इतना खास यूज लगता नहीं, बहुत कमी यूज की जाती है, क्योंकि यही जो है काफी ज्यादा सफिशियंट हो जाती है व्हाइट एलईडी लगाने के बाद। तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। हालांकि मेरे पास एक 57 SMD वाली जो है लाइट रखी हुई है, तो मैं चाहूं तो इसमें लगा सकता हूं। फिलहाल वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो फिलहाल के लिए अभी नहीं लगाने वाला हूं, तो इसको बंद कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गाड़ी के इंटीरियर कैबिन लैंप, नंबर प्लेट लाइट और डिग्गी वाली जो लाइट है यानी कि बूट लैंप, उन सभी में मैंने जो है व्हाइट एलईडीज लगा दी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब अगर हेलोजन बल्ब के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो व्हाइट एलईडीज जो है उनका थ्रो मतलब काफी ज्यादा अच्छा है और मतलब लाइफ भी इनकी काफी ज्यादा अच्छी है। 6-7 महीने से ऊपर मेरे को हो चुके हैं। एक्सट्रीम मतलब कंडीशन में मैंने इसे टेस्ट किया है, हर हफ्ते जैसा कि आप जानते हो मेरी गाड़ी धुलती रहती है, तो यार पानी की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और वैगनार में भी मैंने ये चीज़ें लगाई थी काफ़ी टाइम पहले और अभी तक सही चल रही हैं। तो मतलब 120 और 150 रुपए के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और देखो अगर आपको अपनी गाड़ी का कुछ थोड़ा सा लुक बदलना है कि आप चाहते हो कि मतलब वाइट एलईडीज जो अंदर दिखें, तो आप जो इस चीज़ को लगा सकते हो। फोर्ड इको स्पोर्ट के अंदर जो है लाइट्स की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इनका थ्रो जो है मतलब मुझे कुछ खास नहीं लगा यार। येलो लाइट्स इनके अंदर दी हुई हैं, कम से कम कंपनी को वाइट एलईडी दे देनी चाहिए थी, बट कोई दिक्कत नहीं, कंपनी नहीं दे रही, हम तो दे रहे हैं। अगर आप इस चीज को खरीदना चाहते हो तो अमेज़न पे जाके देख सकते हो, लिंक जो है आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैबिन लाइट के अंदर जो है वो मैंने 15 एलईडी वाले लगाए हैं, ठीक है। नंबर प्लेट वाली लाइट्स के अंदर भी मैंने 15 SMD वाली जो है लाइट्स लगाई हैं और डिग्गी के अंदर या बूट में जो लैंप लगा है उसमें मैंने 57 SMD वाली जो लाइट है उसको इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट करें मत जाइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय एंड स्टे फैंटास्टिक।